में तो एक सीट उनको मिल ही नहीं रहा है। एनडीए गठबंधन वाले को 300 सीट की बात कर रहे हैं, जमाना जब्त हो रही है। पिछली बार भी देखे थे आरजेडी को तो एक भी सीट नहीं मिला था। 40 की 40 बिहार में एनडीए गठबंधन जीतेगी और 400 पार पूरे देश में एनडीए गठबंधन करेगी। मैं भी अभी मतदान करने के लिए ही निकला हूँ और पांचवें चरण का मतदान है, चार चरण का मतदान हो चुका है और आगे भी जो तीन चरण के मतदान होने हैं आज को लेकर 40 की 40 सीट बिहार में एनडीए जीतेगी। बात कर लेते हैं, यहाँ पे तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है जहाँ पे बोल रहे हैं कि इंडी अलायंस को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। आपका 400 पार का नारा है, यहाँ तो 300 पार की बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? बिहार में तो एक सीट उनको मिल ही नहीं रहा है एनडीए गठबंधन वाले को और 300 सीट की बात कर रहे हैं, जमाना जब्त हो रही है। पिछली बार भी देखे थे आरजेडी को तो एक भी सीट नहीं मिला था। 40 की 40 बिहार में एनडीए गठबंधन जीतेगी और 400 पार पूरे देश में एनडीए गठबंधन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी आज आ रहे हैं, क्या तैयारियां उसके लिए करी गई हैं और क्या प्लान रहेगा? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी अब पार्टी से और प्रधानमंत्री से भी ऊपर उठ गए हैं, लोग उनको इतना चाहने लगे हैं कि उनके हर कार्यक्रमों की तैयारी वहां की जनता करने लगती है और लोग सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम जरा अपने प्रधानमंत्री जी के सामने हो, उनको देखे और अद्भुत तैयारी, जहां भी जाते हैं अद्भुत तैयारी लोग करते हैं और उनका बड़ा असर होता है उनके नाम का और काम का और उनके इस जस का बहुत प्रभाव है लोगों पर। जिस तरीके से इस बार का कंटेस्ट रहा है, तेजस्वी यादव एम्प्लॉयमेंट को लेके, रोजगार को लेके सामने आए हैं कि इसके कारण आरजेडी को ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेंगे, ये इनकी जो चुनौती है उसको कैसे देखते हैं? और ये जो एम्प्लॉयमेंट की बात, झूठ बोलते हैं तेजस्वी जी। जब एनडीए की सरकार थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित थी, उस समय नीतीश जी के नेतृत्व में नौकरी, सरकारी नौकरी बिहार में देने की बुनियाद पड़ी और उस समय हजारों नौकरी दी भी गई। उसके बाद उसके आधार पर फिर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, भले तेजस्वी जी उसमें उप मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री नौकरी देते हैं कि उप मुख्यमंत्री देते हैं, आप तो जानते हैं। सरकार नेतृत्व में चलती है, मुख्यमंत्री जी का नीतीश जी की सरकार थी और उसमें जो नौकरी मिली है वो मिली है, लेकिन उनके कारण नहीं मिली है। और नौकरी 10 लाख नौकरी हमारे प्रधानमंत्री जी जो घोषित किए थे, केंद्र सरकार 10 लाख नौकरी दे चुकी, आगे भी बड़ी नौकरी वहां केंद्र सरकार देगी। और दूसरी बात की रोजगार जो करोड़ों लोगों को देने की बात प्रधानमंत्री जी कहे थे, करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है और मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं और आपको एकदम रिकॉर्ड में बोल रहा हूं। आप हमारे यहां चूंकि चुनाव हो गया इसलिए बोल रहे हैं, वहां उजियारपुर में लोकसभा जहां से मैं अभी चुनाव लड़ा हूं, 1,29,000 से ज्यादा लोगों को वहां मुद्रा लोन मिला है और 1,100 करोड़ से ज्यादा उनको ऋण दिए गए हैं। 1,100 करोड़ रुपए से ज्यादा ऋण वहां लोगों को मिला है और उससे जो उद्योग और व्यापार बढ़ा है उससे 5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। कहां से तेजस्वी जी रोजगार देंगे? माननीय प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की योजनाओं से रोजगार सृजित हो रहा है, लोग स्किल्ड हो रहे हैं, उनको रोजगार करने की सुविधाएं मिल रही है, तो इसके कारण रोजगार लोगों को मिल रहा है, बेरोजगारी दूर हो रही है। क्या बोलेंगे, झूठ बोल रहे हैं इनको, भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण और घोटाला से तो फुर्सत ही नहीं है। आखिरी प्रश्न मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से इस बार पहली बार हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ रहे हैं, रामविलास पासवान जी को आप जानते भी हैं, कितनी उम्मीदें हैं इस बार चिराग पासवान से? इस बार का कॉन्टेस्ट आप कैसे देख रहे हैं हाजीपुर का? कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, 5 लाख से ज्यादा वोट से चिराग जी।